इस मंदिर को दिखलाने के लिए मैं कितना दूर से आया हूँ। और ये हनुमान जी का मंदिर है, क्योंकि यह जो मंदिर है यह एक स्कूल में है। स्कूल में हनुमान जी का मंदिर और यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे काली माता जी का मंदिर जो है काफ़ी अच्छा है। अभी स्कूल अभी बंद है, प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पर मैं एक साल पहले आया था। इस जगह पर मैं 3 से 4 बार आ चुका हूँ और यह जगह को मैंने अपने वीडियो में दिखलाया है। चारों तरफ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है इधर। और बाकी सब यहाँ पर दूर दूर से लोग घूमने के लिए और देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है बहुत ज़्यादा फेमस है। गांव में मंदिर है फिर भी यह मंदिर फेमस है और हर जगह पर ऐसे लोग आते हैं। तो चलिए ये मंदिर आप लोग देख लीजिए। तो किस किस रास्ते से मैंने सफ़र करके इस मंदिर पर गया हूँ, चलिए रास्ते में आप लोग को दिखलाते हैं। तो शुरू में इस मंदिर का ये कुछ दृश्य मैंने आप लोग को दिखलाया है। आगे वीडियो में दिखलाऊँगा कौन से रास्ते से मैंने सफ़र करके इस मंदिर तक पहुंचा हूं। तो चलिए वीडियो आगे देखते रहिए। मैं मंदिर के पास से आ चुका हूं और मैं अब चल रहा हूँ दूसरी तरफ, क्योंकि अब गांव की तरफ इधर है पूरा बागीचा, तो मैं गांव के रास्ते पर ही और पहुंचने वाला हूं मेन रोड पे। मेन रोड पे पहुंचने के बाद थोड़ी दूर करीब 100 मीटर दूरी यात्रा करने के बाद फिर मैं पहुँचूँगा गाँव के रास्ते पर। रास्ते का जो सीन है वो आप लोग को बताऊँगा। तो यहाँ पर धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी है, तो चलिए यहाँ से और आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद आगे आपको दिखाऊंगा फिर दूसरी तरफ गांव का रास्ता, और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। तो चलिए चलते हैं और आगे। हाँ, इतना तेज़ चल रहा है कि बोलना काफ़ी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आवाज़ भी हिसाब से नहीं रिकॉर्ड हो सकता। तो क्या करें, ऐसे ही चलते हैं। और पूरब की तरफ से, क्योंकि सूर्य इसी तरफ है और मैं पूरब की तरफ बढ़ रहा हूँ, धूप की वजह से है और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, तो ज़्यादा आवाज़ क्लियर नहीं हो पाएगा। बात यह है कि गांव का रास्ता है, यानी गांव भी काफ़ी दूर है यहाँ से। तो यहाँ से गांव पर जाने के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और ज़्यादातर इधर धूप काफ़ी तेज होने वाली है, 8:40 हो चुका है। कितना टाइम लगा आपको? 3 घंटा सफ़र करके और घर पहुँचना, तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो चलिए फिर आगे। और जो इधर है काली माता का मंदिर, जो मैंने आते हुए आपको दिखाया है, ये काली माता जी का मंदिर। और यहाँ पर एक स्कूल है, जो कि आते वक्त उस रास्ते से मैं आते वक्त मैंने दिखलाया था। तो यहाँ से भी जो है चलने के लिए जाऊँगा इधर, क्योंकि इस जगह मैं 3 बार आ चुका हूँ। जब भी मैं इस रास्ते से सफ़र किया हूँ तो इस स्कूल को देखा हूँ जरूर, क्योंकि स्कूल वहाँ पर है। तो इधर भी है, इधर से भी आप लोग आ सकते हैं। और एक गांव का रास्ता है, गांव का रास्ते से चलना है आगे, स्कूल वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ पर एक स्कूल है और यहाँ से भी मेरे को काफ़ी दूर चलना है, क्योंकि इस रास्ते से मैं जब भी सफ़र किया हूँ इस स्कूल को देखा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं कई बार आया हूँ। स्कूल अभी बंद है इस टाइम पर, प्राइमरी स्कूल है। और इस रोड से भी हमको चलना है काफ़ी दूर, क्योंकि यहाँ से मैं कई बार आया हूँ। और जो ये रास्ता है, रास्ता इधर कहीं पर सही है और कहीं पर ख़राब भी है। तो यहाँ से हमको कितना दूर और चलना है ये सब आप लोग को इस वीडियो में मालूम चलेगा। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस गर्मी को काफ़ी धूप काफ़ी हो चुका है। सुबह सुबह मैं निकला था यात्रा के लिए और काफ़ी तेज धूप हो चुका है। ज़्यादा दूर मैं नहीं आया हूँ और इधर का जो रास्ता है, यह रास्ता अभी काफ़ी ख़राब है। और ख़राब रास्ते से चलाना, क्योंकि ऊपर खराब जो रास्ता है वो अच्छा नहीं लग रहा है, सही हो गया है। और काफ़ी बनाया गया है हाल ही में। पहले मैं इस रास्ते से सफर किया हूँ, तो रास्ता ये काफ़ी ज़्यादा खराब था उस टाइम पे। इस टाइम पे जो है रास्ता है यहाँ पर बन चुका है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ से हमको कितना दूर चलना है और कितना कुछ और, चलिए वहाँ जाने के बाद आपको बताते हैं। काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, क्योंकि जब
मैं पहले एक बार जब सफर किया था इस रास्ते से, तो इस रास्ते में सबसे ज़्यादा उबड़ खाबड़ यानी बड़ी बड़ी रास्ते में गिर गई थी। तो मैं हवा काफ़ी तेज चल रही है, इसकी वजह से पैदल चलना इधर से मुश्किल हो रहा है और उधर से चलिए। और स्कूल और मंदिर के पास मैं पहुंच चुका हूं। यहां पर ये जगह आप लोग देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि देख लीजिए यह मंदिर जो है स्कूल के पास में ही है, चारों तरफ से ऐसा ही बनाया गया है। और शुरू में जो मैंने आप लोगों को दिखलाया मंदिर का दूसरी तरफ, चारों तरफ का इधर दृश्य देख सकते हैं। और ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, ठीक सामने हनुमान जी का मंदिर है जो आप लोगों ने शुरू में देखा होगा। मैं इस स्कूल में पहुंच चुका हूं और स्कूल है फुलवरिया गांव में, और जो कि यह गांव है अभी स्कूल इस टाइम पे बंद है क्योंकि छुट्टी का मौसम है। और यह प्राइमरी स्कूल है, 1 से लेकर 5 तक है। और दीवारों पे शेर बाघ और बाकी सभी के जीव जंतु के चित्र हैं। अंदर एक मंदिर है और काली माता जी का, यहाँ पर पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, बाकी बहुत सारे पेड़ हैं। एक मंदिर इधर है, तो चलिए ये जगह आप लोगों को दिखलाते हैं। मंदिर इधर हनुमान जी का है, इधर काली माता जी का, तो चलिए ये जगह आप लोगों को दिखलाते हैं। यह स्कूल और यहाँ पर एक मंदिर है, ये जगह आप लोग कैसा लगता है मन करके जरूर बताएगा, क्योंकि अब यहाँ से धूप काफ़ी तेज हो चुका है और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ घर। और रास्ते में देखते हैं कितना टाइम तक मैं पहुँचता हूँ और कितना दूर है यहाँ से। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो लाइक कीजिएगा। और रास्ते में यहाँ से कितना टाइम लगेगा हमको जाने में, और बैटरी भी चार्ज नहीं है, तो देखते हैं। ये जगह जो चारों तरफ है काफ़ी अच्छा है, यहाँ तक आने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और अभी 9 बज चुका है। यहाँ से कितना टाइम हमको लगेगा घर पहुँचने में, रास्ते में शायद आप लोगों से बात ना हो पाए, फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात ज़रूर होगी। ये जो रास्ते का सफ़र है और ये स्कूल का बाकी सभी जगह, तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि यह जो जगह है काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर धूप बहुत कम है क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधे के साथ यहाँ पर बैठना अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी मैं गाँव में हूँ तो गाँव के काफ़ी खूबसूरत लोकेशन आप लोग को दिखलाने वाला हूँ। फिर ट्रेन से सफ़र होगा हमारा, तो आने वाले वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के बाद मैं इस रास्ते पर आया हूँ, ये वही रास्ता है जहाँ पे आगे मैं शुरू में आते वक्त आप लोगों को मंदिर, तालाब और स्कूल दिखलाया था। तभी हम पहुँचने वाला हूँ वहीं पे, और वहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को दिखलाता हूँ, क्योंकि उसी रास्ते से हमको निकलना है और उसी रास्ते से आगे भी चलना है। तो चलिए आगे देखते हैं। काफ़ी देर हो चुका है और 9:05 हो रहा है, यहाँ से भी कितना टाइम लगा हमको जाने में और जहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर जो है तो नहीं पड़ेगा क्योंकि काफ़ी तेज है और हवा भी काफ़ी तेज चल रही है, शायद आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ से अभी चलते हैं, किस रास्ते चलना है और इधर निकलते हैं, ऐसे भी आप लोगों को दिखलाते हुए, क्योंकि आज का मैं वहीं पर ही करीब यहाँ पर 7 बजे पहुँचा था। मैं बस चुका हूँ, 2 घंटे का इधर से घूम कर मैं आ चुका हूँ, और फिर चलता हूँ आगे। आगे जो जाने के बाद आप लोगों को रास्ता जो दिखेगा उसी रास्ते चलते हैं दूसरी तरफ और उधर निकलते हैं, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और इतना दूर और चलना है। ये आप लोग देख ही सकते हैं पीछे मंदिर है, और यहाँ से भी चलना है हमको आगे आगे, और जाने के बाद मंदिर के बाद फिर इधर से दूसरी तरफ चलते हैं, वहाँ से देखते हैं। तो इस गांव में रास्ता है, गांव के रास्ते से निकलेंगे और देखते हैं मंदिर के पास पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं 2 बार आ चुका हूँ आज घूमते घूमते, और धूप भी काफ़ी तेज हो चुकी है, तो यहाँ से जाना काफ़ी जल्दी ठीक रहेगा। और देखते हैं कितना टाइम बाद हम लोग पहुँचते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि मैं मंदिर से जा दिया हूँ।
मंदिर में जब मैं सुबह का टाइम में इधर आया था तो मंदिर मैंने दिखलाया है। मंदिर आप लोग को बिल्कुल पसंद आएगा, देख सकते हैं साइड में और इस तरफ मंदिर। तो मंदिर को दिखलाने के बाद मैं दिखला चुका हूँ और यहाँ से मैं चलता हूँ आगे। और हवा काफ़ी तेज चल रही है और गाँव में पहुँचने वाला हूँ। मैं इस गांव को पार करने के बाद फिर आप लोगों से मिलता हूँ। इस गांव में आगे एक नहर है, नहर को पार करूँगा फिर आप लोगों से मिलूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आ चुका पुल और यहीं पर हम लोग आते हैं नहाने के लिए। तो देखते हैं कभी मौका मिलता है तो आते हैं नहाने के लिए सुबह के टाइम में भी। तो चलिए और इस पुल को पार करते हैं। आप लोग देख सकते हैं पानी इधर कितना ज़्यादा लगा हुआ है इस तालाब में। तो कितना टाइम लगता है हमको भी, कब आएंगे कब नहीं आएंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं और दो तीन दिन के अंदर इधर आते हैं नहान स्नान करने के लिए इस नदी में। तो इधर का भी सीन आप लोगों को बताएंगे। तो इधर का जो ये रास्ता है, पेड़ पौधा काफ़ी ज़्यादा, इधर छाँव भी है तो इधर काफ़ी अच्छा लगेगा। और चलिए मिलेंगे आप लोगों से आने वाले वीडियो में। सफ़र रहा हमारा, पूरा सफ़र आप लोगों ने देखा होगा तो बताइए कैसा लगा है पूरा सफ़र। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।